दोस्तों, दीपावली के दिन क्या करें क्या ना करें, आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली, ये सारी बातें जानने के लिए हमने दीपावली के इस खास मौके पर अपने स्टूडियो में एक खास शख्सियत को आमंत्रित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य श्रद्धानंद मोहन जी का। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने चूंकि अपने दर्शकों को ये बताने के लिए आपको बुलाया है कि क्या है दिवाली का महत्व, क्यों मनाई जाती है दिवाली और इस दिन क्या करें क्या ना करें, दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए मैडम, सबसे पहली बात, हर सारे हमारे बीसीएन के दर्शकों को मेरी तरफ से और हमारे बीसीएन टीम की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारे दीपावली की शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि इस दिवाली में सब अपने पटाखे जो फोड़ते हैं या जो भी बच्चे खेलते हैं उनको बड़ों के गाइडेंस में किया जाएगा, सेफ दीपावली खेलें, हैप्पी दीपावली रखें पहली बात तो। और दूसरी बात, देखिए आपने जो प्रश्न किया है, ये दिवाली दीपावली जो बोलते हैं, इसको दीपावली क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये है दीपों का उत्सव। क्योंकि एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूरज जब कर्क राशि में, सूरज जब तुला राशि में आते हैं तो नीच के होते हैं, तो नीच के इसमें क्या होता है, यहां से ठंडी का भी शुरुआत होता है और जो हमारे वातावरण में बहुत सारे जो कीट पतंग रहते हैं वो दिया जो हम जलाते हैं उससे भी उनका एक अंत होता है। और जिस प्रकार से ये अंधेरा, सबसे अंधेरा अमावस्या माना जाता है, 12 अमावस्या में साल भर जो आते हैं उसके अंदर इसको दिया लगा के हम प्रज्वलित करते हैं, पहला एक ज्योतिषी कारण है। दूसरा एक अपना एक पौराणिक कारण ये बोला जा सकता है कि भगवान राम रावण को मारकर जब अयोध्या वापस आए तो दिवाली माना जाता है। दूसरा कारण है अपना, जब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा नरकासुर को मारते हैं नरक चतुर्दशी के दिन, अगले दिन दिवाली मनाई जाती है खुशियां, क्योंकि 1600 ये जो अपने जितने पत्नियों को उन्होंने बंद करके रखा था तो उन्होंने फिर उसको रिलीज किया। फिर दूसरा तीसरा कारण है इसमें कि माता लक्ष्मी, बड़ी चक्रवर्ती नाम का राक्षसों का राजा था, उसने माता लक्ष्मी को बंधन में रखा था अपने पाताल लोक में। तो वामन अवतार, जब भगवान कृष्ण रहते हैं, भगवान विष्णु रहते हैं वामन अवतार, तो वामन अवतार में माता लक्ष्मी को वहां से वो छुड़ाते हैं, स्वतंत्र करते हैं बड़ी चक्रवर्ती के बंधन से। चौथा कारण यह भी है कि माता का प्रादुर्भाव हुआ था। देखो माता का जन्म होना गलत बात, जन्म होना करके बोलना गलत बात रहेगा, माता प्रकट हुई थी समुन्द्र से इसी दिन पे, दिवाली के दिन पे, इसलिए दिवाली माना जाता है। ये होगा अपना पौराणिक तात्पर्य कि दिवाली क्या होता है, खास करके इसमें क्या करे क्या नहीं करे ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखो दिवाली यानी कैसा, माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी को साफ सफाई और एक सिस्टम में रहना बहुत पसंद है, और घर के हर कोने में हमको साफ सफाई करना है, गंदगी साफ करना है, जाला मक्खी का जो भी है वो साफ करना है, साफ सफाई रखना है, भले तुम अमीर रहो या गरीब रहो या मीडियम क्लास के रहो, लेकिन तुम्हारे घर को साफ सफाई रखना जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ सफाई से बहुत प्यार है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई का वास हो लक्ष्मी जी का वास वही होता है। और दूसरा कैसा होता है, माता लक्ष्मी के इस दिवाली के अवसर पर हमको घर में हर जगह दीप, यानी दीप जलाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, घर के हर कोने में, अगर अंधेरे कोने को रोशन दान दिया जाए, रोशनी किया जाए, जैसा एक बल्ब जला दिया, नहीं तो वहां पे एक दिया लगा दिया, जैसे दिया लगाने का वहां पे हमारे प्रारूप नहीं है, वहां कुछ आग लगने को संभव है, तो वहां पे एक बल्ब जला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, घर के हर कोने को, इवन यहां तक कि गैलरी और बाथरूम्स और टॉयलेट्स में भी आपको लाइट जला के रखना चाहिए, खास करके 4 दिन, छोटे दिवाली को, अपना धनतेरस को, अपना नरक चतुर्दशी, दिवाली और पाड़वा जो आता है, 5 दिन अपने कंटिन्यूअस दिया लगा के यानी लाइट लगा के रखना है बाथरूम और पूरे घर में लगा के रोशन करना है। और इसमें क्या करे क्या, देखो क्या करे हमने जान लिया, क्या ना करे इसमें कैसा है, एक तो आपको चौर कर्म नहीं करना चाहिए। चौर कर्म मैंने कैसा, जो हमसे शेविंग होता है, हेयर कटिंग होता है, अपना जाके सलून में जाके नहीं करना चाहिए, ठीक है, नेल कटिंग यानी नाखून वगैरह काटना नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अंडा मांस मच्छी का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो लोग भी अभी लिकर वगैरह सेवन करते रोज उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि 4-5 दिन आप उससे देखिए लिकर यानी शराब पीने से परहेज करें तो अच्छा है, घर में खुशी का वातावरण बना रखें, अपने माता बहनों के साथ बहुत अच्छे से पेश आए क्योंकि वो भी लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, और उससे बढ़ बढ़कर घर में एक प्यार मोहब्बत से सब लोग आप रहेंगे तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में अवश्य होगा। और जब आप सवेरे और संध्या समय जब आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो दरवाजा खोल कर रखें, थोड़ा भी सही, अगर फ्लैट सिस्टम में रहते तो दरवाजे तो आजकल बंद रहते हैं, लेकिन थोड़ा तो खोल के रखना दरवाजे ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो अपने घर में।
और करना क्या चाहिए दिवाली में, सबसे सुलभ उपाय, माता लक्ष्मी को जब हम आसन देते हैं या उनको माता को पूजा शुरुआत करते हैं, तब माता के राइट साइड में घी का दिया, लेफ्ट साइड में तिल का दिया लगाएं, और हो सके तो घर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी को एक सरसों का तेल का दिया अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर में जो नेगेटिविटी है, कष्ट है, परेशानी है, नजर जो भी लगता है, अपना दोष है, वासु, वो सब सारे चीजें शांत होती है, समाप्त होती है, ये मान्यता है शास्त्रों में। और देखिए ये अपना दिवाली का जो मुहूर्त आए समय समय कैसा है कि ये समय अपना 22 तारीख अक्टूबर को धनतेरस है। धनतेरस के दिन आप जैसा सबको मालूम है कि सोना खरीदो, चांदी खरीदो, हो सके तो स्टील का और एल्यूमिनियम का सामान थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। उसमें तो एल्यूमिनियम तो लेना ही नहीं है और लोहे का कोई वस्तु लेना नहीं है, तो गरीब से गरीब आदमी कुछ ले नहीं सकता, तो वो स्टील का कोई बर्तन ले सकता है या फिर तांबा या पीतल का कोई चीज ले सकता है। लोहा और एल्यूमिनियम जो है उसे अवॉइड करना है, लेने से बचना है। हाँ जी, हाँ जी। और चमड़े का कोई वस्तु रहेगा तो वो भी नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन, ठीक है। और रही बात है धनतेरस का, धनतेरस के दिन हो सके तो आप धनिया खरीद सकते हैं घर के लिए, साबुत जो धनिया रहते हैं दाने वो खरीद सकते हैं, पताशे खरीद सकते हैं, और आप घी खरीद सकते हैं। ये सारे अच्छे राशन घर पर राशन पाने में ये सब अच्छे, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। और देखिए अपना नरक चतुर्दशी अपना 24 अक्टूबर को है। ये नरक चतुर्दशी का पूजन सवेरे है, वो चतुर्दशी है, लेकिन संध्या समय 5-5:30 बजे के बाद आपका अमावस्या चालू हो जाता है। जी, जी। तो इसके चलते दर्शकों ये समय क्या हुआ है, आपको 24 तारीख को ही सवेरे नरक चतुर्दशी मनाना है और 24 तारीख को ही शाम को आपको लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है, दीपावली का लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है। इसके पीछे भी आगे मैं बताऊंगा क्यों क्या करके, पहले ये जान लीजिए कि दिवाली का अपना लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है। शाम को 24 तारीख के हमको 6:38 तक का अपना लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है। उसमें भी श्रेष्ठ आपको मुहूर्त क्या होगा, शाम के 7 बजे से लेकर रात के यानी शाम के 8 बजे 7:38 तक का आपको बहुत अच्छा मुहूर्त है, वृषभ लग्न आता है। ये हम जैसे घरेलू जो सांसारिक लोग जो पूजा करते हैं माता को, गुरु घर में संपन्नता सुख समृद्धि मानते हैं, मांगते हैं माँ से, उनके लिए ये सबसे अच्छा मुहूर्त है। शाम के 7 बजे से लेकर 8:38 तक का बहुत अच्छा मुहूर्त है, ये वृषभ लग्न होता है। और अपना देखिए अभी दिवाली का कैसा है, 25 तारीख को हम लोग हमेशा दिवाली मनाते हैं, लेकिन ये समय दिवाली क्यों नहीं मनाते हैं, क्योंकि अपना जो 25 तारीख को है, 25 तारीख को दिवाली के दिन पे जहां पे दिवाली होना चाहिए तो उस दिन पे अमावस्या वाले दिन शाम को 4:50 से लेकर 6:08 तक का सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण कैसा, पूरा पूरा अपने महाराष्ट्र अपने देश पर भी थोड़ा सा आंशिक रूप से आता है, लेकिन थोड़ा सा वेस्ट बंगाल हो गया, अपना पंजाब और कश्मीर की तरफ उस तरफ से ज्यादा दिखेगा ये। तो इसके चलते हम इसको एक वेद यानी सूतक मानते हैं देश में, इसके चलते हम 25 तारीख को दिवाली नहीं मनाएंगे। बाकी आप जब पूजा पाठ करना कर सकते हैं, लेकिन देखिए अभी ग्रहण का मौका है, अपने जो बीसीएन के दर्शक हैं उनको ग्रहण के बारे में जान लें कि इस ग्रहण में कैसा है। शाम को 4:50 से लेकर 6:08 तक का शाम को आपने हो सके तो पूजा पाठ करें, पूजा पाठ यानी कैसे जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करो, लक्ष्मी मंत्र का जाप करो, या आपके पहले जो मंत्र लेके रखे हैं उन चीजों का, उन मंत्रों का जाप करने से उसका फल 100 गुना ज्यादा मिलता है आपको, ये आपके ग्रहण के अंदर। और ग्रहण के अंदर क्या ना करें, ये जो अपना जो प्रेग्नेंट लेडीज रहते हैं उन लोगों को कोई चीज काटना नहीं चाहिए, कोई चीज पिरोना नहीं चाहिए, कोई सीना नहीं चाहिए, कोई चीज को हाथ पैर ऐसे सीधा रख के सोना चाहिए, तो सबका मान्यता है ये। सुई धागे का यूज नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज काटना पिटना नहीं चाहिए। हाँ जी। और ये बताइए कि इस ग्रहण में कुछ ऐसा है कि मतलब पानी में आप गोमूत्र डाल के स्नान करना चाहिए या फिर देखिए इसका कैसे रहता है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कैसा रहता है, ये ग्रहण समय के पहले नहाना चाहिए, जैसे 4:50 है ना, 4:50 के पहले नहाकर हम लोगों ने आसन पे बैठ के अपने भगवान का जो भी पूजा पाठ यानी जो भी आप पूजा पाठ से आरती वारती नहीं कर सकते, दिया लगा के पहले ही रख दो, फिर चावल या जो भी अपना राशन राशन जो भी रहता है डब्बे रहते उसमें तुलसी का पत्ता डाल दो, सब चीजों में खाद्य पदार्थ में, फिर उस समय में किसी को खाना पीना वर्जित है, कुछ खाना नहीं पीना नहीं है, जो वृद्ध है या जो बहुत बीमार है उनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं जो लोग कर सकते हैं उनके लिए खाना पीना वर्जित है ये ग्रहण समय में, ग्रहण काल में। और
मलमूत्र का त्याग करना वर्जित है, घूमना फिरना वर्जित है, और अपने खुले आंखों से कभी भी सूर्य भगवान को ग्रहण के समय भी देखना नहीं है, क्योंकि उसमें गामा रेज रहते हैं, आपकी आंखें खराब होने के चांसेस होते हैं। कितने समय के लिए रहेगा ये सूर्य ग्रहण? देखिए, आपका जो सूर्य ग्रहण हो रहा है अपना, ये 4:50 के शाम के लेकर 6:08 तक का सूर्य ग्रहण रहने वाला है जी। क्योंकि 6:08 के बाद इसका अपने भारत देश में सूर्य अस्त हो जाता है। मतलब ये जो सारे नियम है वो आपको इसी अंतराल में करना है। हाँ जी, हाँ जी, यानी 4:50 से लेकर 6:08 के बीच में आपको खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। प्यास लगा तो पानी पी सकते हैं, जिस पानी में आपने तुलसी का पत्ता डाल के रखा है वही पी सकते, बाकी नहीं पी सकते हैं। बाकी खाना पीना नहीं है, मलमूत्र त्याग नहीं करना है, कोशिश करें यही करें। बाकी वृद्ध हैं या बच्चे हैं उनके लिए नियम लागू नहीं होता, ठीक है। देखिए, ये सूर्य ग्रहण के लाभ होगा पुण्य काल में, ये बात हो गया अपना 25 तारीख का। 26 तारीख को देखिए अपनी पाड़वा है, जिसको बड़ी पाड़वा मानते हैं, बड़ी पाड़वा मानते हैं जिस दिन ये बड़ी पाड़वा इसीलिए माना जाता है, उस दिन भगवान वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बलि चक्रवर्ती के 3 पग जमीन मांगकर उनको पाताल लोक में ढकेल दिया, दबा दिया था अंगूठे से पांव के। ये बलि चक्रवर्ती बलि पाड़वा था, जिसको बलि प्रतिपदा बोलते हैं। हाँ जी, बलि प्रतिपदा बोलते हैं। और दूसरा कैसा है, ये दीपावली का पाड़वा जो होता है इसमें शाम को ही भाई दूज मनाने का प्रथा ये समय हुआ है, क्योंकि द्वितीय उसी दिन शुरू होता है, अगले दिन भी मना सकते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त आपको 26 तारीख को शाम को ही अगर भाई दूज मनाते तो कोई उसमें गलत बात नहीं है, जिसको हम लोग भाई दूज को यम द्वितीय बोलते हैं, तो ये हम लोग ये भाई दूज भी उसी दिन मना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अपना दिवाली का विशेष कार्यक्रम जिसमें हमने जाना ये किया। देखिए, इसमें हम लोग एक प्रासंगिक रूप जान सकते हैं कि हम दिवाली के आम, देखो हर राशि के लिए अलग अलग बोलेंगे, इतना अपने पास अपना उतना व्यवस्था भी समय नहीं रहा, तो हम एक बात कर सकते हैं इन जनरल सारे राशियों के लिए क्या करें। देखिए, जो भी बंदा है इस धरती पे जन्म लिया है, लक्ष्मी माता लक्ष्मी की कृपा के बर उसके घर में न सुख शांति आएगी, न सुख संपदा आएगा, न धन संपदा आएगा। इस बार दीपावली जो है अमावस्या के दिन आ रही है, तो इसीलिए हम दीपावली जो है 24 तारीख को मना रहे हैं शाम को जी। ठीक है, जो मैंने बोला 7:00 से लेकर 8:38 तक का आपको बहुत अच्छा समय वृक्ष लगा ना, उसमें पूजा कर सकते, लक्ष्मी पूजन। इसके अलावा हम क्या कर सकते दिवाली में, देखो माँ को माता को बताशे का भोग लगाएं, माँ को दूध से बना खीर का भोग लगाएं, और माता के मंदिर में बताशे दान दे सकते हैं जी। और माता के मंदिर में एक काम करो, 2 कमलगट्टे का माला ले लो, 1 कमलगट्टे का माला माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दो मंदिर में जाकर, और 1 कमलगट्टे का माला अपने घर में अपने माता के मंदिर माता का जो मूर्ति है या फोटो है उस पे चढ़ा सकते हैं, या वो कमलगट्टे का माला आप माता का लक्ष्मी का जाप करने यूज कर सकते हैं, यानी मंत्र जाप करने। देखिए, सरल मंत्र है, अगर आपको कोई नहीं जानता तो आप बोल सकते हैं, गायत्री आता महालक्ष्मी का, ओ महादेवे विष्णुपत्नो लक्ष्मी प्रचोदया, इस मंत्र का अगर निरंतर उठते बैठते इस दिवाली में जाप करते तो आपको अद्भुत लाभ होता। वो भी नहीं जमता तो सरल तरीके से आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं कर सकते हैं, और ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का अगर 16,000 कोई जाप कर लेता है उसके तो सारे कष्ट निकल जाते हैं दिवाली के दिन पे। खास करके दिवाली में अपने घर में खुशियों का माहौल बनाए, अपशब्द नहीं बोले, कटु शब्द नहीं बोले, झगड़ा ना करे, जुआ ना करे, जुआ नहीं खेले, जो भी बच्चे उनको बताएं, और बच्चों से अनुरोध करें कि हो सके तो माता लक्ष्मी के सामने बैठकर 10 मिनट सिर्फ माता लक्ष्मी का नाम ले। तो उससे भी देखो, हम लोग एक समझते हैं कि लक्ष्मी बोला तो सिर्फ धन है, लक्ष्मी बोला सिर्फ धन नहीं होता, लक्ष्मी बोला तो अच्छे गुण होते हैं, लक्ष्मी बोला तो अच्छे संस्कार होते हैं, लक्ष्मी बोला तो अच्छी बहू होती है घर की, लक्ष्मी बोला तो हमारी माता होती है। तो ये सारे जो सर, जैसा कि अभी आपने लक्ष्मी की बात कही तो मैं एक चीज और यहाँ आपको बोलना चाहूंगी कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मी पूजन के दिन किसी भी पुरुष व्यक्ति ने किसी भी अपने घर की स्त्री यानी कि लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो आपने बोला, लेकिन अतिशयोक्ति ऐसा है कि जो हमारी जो माता बहनें जो हमारे घर की स्त्रियां होती है हमारी लक्ष्मी होती है जी। क्यों, देखो बचपन में माँ समान होती है, माँ हमारे लिए तो उनको खाना वाना खिलाती, वो अन्नपूर्णा हुई माता पार्वती हुई हमारे लिए, फिर जो हमको स्कूल में पढ़ाती है ट्यूशन देती है वो माता सरस्वती हमारे लिए, और हमारी माँ भी हमारी माँ सरस्वती क्योंकि वो खाना खिलाती है,
और जो पत्नी मिलती है, जो माता बहने होती है हमारी, जो पत्नियां होती है हमारे, वो पत्नियां आकर हमारी लक्ष्मी है घर की, क्योंकि उनके चलते ही घर में सुख समृद्धि सुविधा रहे। तो उनके साथ अच्छा चलने से, सही चलने से भी माता लक्ष्मी का बहुत कृपा होता है। और जो हमारे घर में कन्या होती है छोटी छोटी, दिवाली के दिन पे उनको, अगर आपके घर में बेटियां हैं छोटी छोटी, अड़ोस पड़ोस में बेटियां हैं, तो उनको दिवाली के दिन पे बताशे जरूर देना, और उनको सफेद रंग के दूध से बनी मिठाई अगर देते हैं, माता लक्ष्मी का बहुत कृपा मिलता है। जी सर, बहुत ही अच्छी बात कही है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली के त्योहार पर हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। जब भी हमारे देश के विकास की बात आएगी तो हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। दीपावली पर हम सभी दीपक जलाकर अपने घर को रोशन करते हैं। दीपावली का त्योहार ही एक ऐसा त्योहार है जो अंधेरे को दूर करके रोशनी की तरफ लेकर जाता है। तो मुझे लगता है कि सर, जैसे कि हमने दीपावली के दिन धनतेरस से लेकर तो भाई दूज तक की जो है, हमें क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, दीपावली का शुभ मुहूर्त है, और अमावस्या के समय जो खास करके जो ग्रहण का समय है, उस समय भी बहुत अच्छे से हमने जान लिया कि क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए, खास करके 4:12 से लेकर तो 6:08 तक, जो कि ग्रहण का समय है। और सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि दिवाली के भाईदूज के बाद जो गोवर्धन पूजा आती है, तो इस दिन का क्या महत्व होता है? देखिए, गोवर्धन पूजा इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन भगवान कृष्ण ने सारे गोकुलवासियों को इंद्र भगवान के प्रकोप से रक्षा किया था। इंद्र भगवान को अहंकार आ जाता है कि उनका ही पूजा होना चाहिए और किसी का पूजा नहीं होना, क्योंकि वही देवता है जो प्रकृति को पूरा मेंटेन करते हैं, धूप छांव पानी गर्मी, जो धूप है अपना, जो हमारे अलग अलग सीजन से क्लाइमेट्स हैं, उनको वही पूरा मैनेज करते हैं, वही पूरा नियंत्रण में करते हैं। तो भगवान इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण, भगवान माया रस्ते हैं, उनके अहंकार को जागृत, उनको गुस्सा ऐसा करके, फिर बाद में भगवान इंद्र गुस्से में क्या करते हैं, निरंतर 7-8 दिनों कंटिन्यूस उनको बारिश 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 देता है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो बोलते हैं इंद्र भगवान हमारे भगवान नहीं है, तुम देखो हमारे साक्षात प्रकृति में कौन है, अपने अपने जो धरती है, अपनी जो नदियां हैं, अपने जो पेड़ पत्ते, वो हमारे भगवान है, प्रकृति हमारे भगवान है। तो वो सबसे बड़े उस समय में गोवर्धन पर्वत बहुत विशाल रूप में था, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, ये गोवर्धन पर्वत ही हमारे साक्षात परब्रह्म भगवान स्वरूप है, तो इनके शरण में हम जाते करके भगवान कृष्ण ने क्या किया, तो वो जो पूरे गोवर्धन पर्वत को इसकी छोटी अपने छोटी कनिष्ठिका उंगली से ऐसा पकड़ लिया 7-8 दिन के लिए। तो 7-8 दिन इंद्र भगवान पर वर्षा करते रहे, लेकिन गोकुलवासी सारे के सारे उधर नीचे गोवर्धन पर्वत के नीचे थे, तो उसमें उनको ना भूख लगा ना प्यास लगा, हरि भजन में थे जी। तो तब जब इंद्र भगवान को पता चलता है कि ये कृष्ण भगवान है स्वयं गोवर्धन धारी, तो माफी मांगते कृष्ण भगवान से, क्षमा मांगते हैं, फिर बोलते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा मेरे से क्षमा हो, गलती हो गया। फिर भगवान कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हर साल ये जो अपना गोवर्धन पूजा का दिन रहता है, उस दिन आप सब लोग गोवर्धन पूजा मनाएंगे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत एक प्रकृति का सांकेतिक रूप है, और गोवर्धन आकर, क्योंकि भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण की उंगली के ऊपर टिका हुआ था गोवर्धन पर्वत, उसका महत्व बढ़ गया, उनका महत्व बढ़ गया, उसीलिए आज के दिन में भी कलयुग में भी हम गोवर्धन पूजा करते हैं। और दूसरा गोवर्धन पूजा करने के सबसे बड़ा महत्व, अपने जो प्रकृति को हम मान सम्मान करना चाहिए, अपनी गायों की रक्षा करना चाहिए, इसके पीछे एक सांकेतिक रूप है गोवर्धन पर्वत का। तो ये था हमारे गोवर्धन पर्वत के लिए, जो गोवर्धन पूजा के लिए संकेत आपने जो पूछा। जी 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 दोस्तों, जैसा कि हम, मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि हमने दीपावली के खास शुभ मुहूर्त को लेकर दीपावली में क्या करें क्या ना करें और दीपावली का महत्व क्या है, ये सारी बातों की जानकारी हमने जाना है श्रद्धानंद मोहन जी से, और जो कि हर हफ्ते हर समय हमें किसी न किसी विषय को लेकर अवगत कराते रहते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक लिए सर आप हमारे दर्शकों के क्या खास मैसेज देना चाहेंगे दीपावली को? देखिए, मैं दिवाली के दिन पे ही बोलूंगा कि बच्चे खेलते रहते हैं बाहर, पटाखों में तेल जलता है, दिया जलते रहता है, तो खास करके सब बड़े अपने बच्चों को बराबर गाइड करें कि पटाखे देख के खेलो, पटाखे खेलने की वस्तु नहीं है, ये दिवाली में शास्त्र है अपना वो करना है, और अगर पटाखे मारना, ये छोटे छोटे पटाखे लेके तो बड़े बड़े चीजें फोड़ना करना, ऐसे कुछ रेसिडेंशियल जगह पे फोड़ देना पटाखे, किसके घर में जाके ब्लास्ट हो गए रॉकेट, वो सब गलत बात है, ये सांसारिक। देखिए, आध्यात्मिक बात मैं यही बोलूंगा, ये दिवाली का जो पर्व होता है, जिनके घर में तंगी है, जिनके घर में कष्ट है, वो लोग माता लक्ष्मी का कृपा पाने के लिए इस दिवाली में
माता लक्ष्मी का जाप करे बैठ के, ज्यादा से ज्यादा ओम श्री महालक्ष्मी नमः इसका जाप करो, नहीं तो महादेवेच विद्महे विष्णु पत्ने धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी अगर जाप करते हैं, अगर कमल गट्टे का माला पे करते हैं, स्फटिक के मणि के माला पे करते हैं, कुछ नहीं है घर में रुद्राक्ष का माला उस पे भी करते हैं, हल्दी के माला पे करते हैं, तो ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है, बहुत जल्दी आपको लक्ष्मी कृपा कटाक्ष मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमको कुछ भी नहीं आता है, घर में साफ सफाई करो, अच्छे से चलो, माता के दर्शन, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर एक कमल गट्टे का माला चढ़ा दो और एक कमल गट्टे माला उनके चरणों को लगाकर अपने घर ले गए, अपने तिजोरी में रखो, चांदी के माता लक्ष्मी के चरण ले लो दो, उसको तिजोरी में रखो, अपने एक अपना चार पीले रंग की कौड़ियां ले लो। माता लक्ष्मी के जब हम पूजा करते हैं 24 तारीख को माता लक्ष्मी का पूजन का मुहूर्त है, 6:38 यानी 7:38 तक का भी कर सकते हो, 6:38 का भी मुहूर्त है, तो इसमें चार कौड़ियां लेना है, माता पीले रंग की कौड़ियां लेके माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है। फिर लक्ष्मी पूजन होने के बाद उसी दिन रात को उसको 12 बजे के पहले लाल कपड़े में लपेट के उसको अपने तिजोरी में रख दो, जहां पे पैसे रखते हैं, तिजोरी नहीं है, जहां पैसे रखते वही तिजोरी है आपकी, जहां पैसे रखते सोना रखते उधर ही रख देना, तो उससे आपके घर में संपन्नता और बरकत आएगा। और घर में अगर लक्ष्मी पूजन के दिन और प्रसन्नता लाना चाहते हो, धूप दीप जलाओ घर में, घी के दिए जलाओ, और हो सके तो क्या करना है, घर में गोमूत्र थोड़ा सा पानी में गोमूत्र डालकर नहाना है और थोड़ा सा गोमूत्र डालकर घर में पोछा लगाना है। और ये शास्त्रों में कैसा बोला जाता है मैडम कि ये जो अपना दिवाली में है ना अभ्यंजन स्नान का बहुत महत्व, तेल लगा के नहाना, सर पे से बदन पे तेल लगा के नहाना, खासकर जो दीपावली के दिन, हाँ जी, बहुत श्रेष्ठ होता है, इससे हमारा नेगेटिविटी जाता है और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ता है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक एक दिवाली में, एक एक त्योहार में भी एक एक चीज हम बोला जाता है, उसके पीछे एक अपना पौराणिक कथाएं तो होते हैं, उसके साथ साथ अपना एक वैज्ञानिक तात्पर्य, वैज्ञानिक कारण होता है जिसके प्रति हमारे पूर्वजों ने बना के रखा, तो इसको हम बराबर फॉलो करते हैं, उसको हम बराबर निष्ठावान बनकर उसको फॉलो करते हैं, तो हमको भगवती की कृपा मिलता है, हमारे जीवन भी सरल बनता है। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको दिवाली विशेष ये कार्यक्रम हमारा काफी पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, तब तक के लिए मुझे यानी कि रूपा पंडित को दीजिए इजाजत, और आपके यहाँ हो धन की बरसात, माँ लक्ष्मी का वास हो आपके यहाँ, संकटों का नाश हो, हर दिल पे राज हो, उन्नति का सर पे ताज हो, मेरी ओर से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।